देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों में राहुल गांधी के विरुद्ध बोलकर मीडिया में चर्चा पानी की ओर से बच गई। मेरा आज आप सबसे वार्ता करने का मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता, कोई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई सांसद या भारत सरकार के मंत्री ये बता दें राहुल गांधी ने जितना अपने लोकसभा क्षेत्र में किया है उसका 1% 5% किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने किया हो, सिर्फ वही राहुल गांधी के खिलाफ वोट निकाल रहा है। दूसरी बात, आजकल ड्रामा क्वीन स्मृति ईरानी जी नए नए रोल ड्रामे करती हैं। मेरा सिर्फ उनसे एक प्रश्न है, अगर उनको अमेठी की जनता से इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने अमेठी के कारखानों को क्यों बंद किया, अमेठी के विकास को अवरुद्ध करने में जनता क्यों लगी रहती हैं। दूसरी बात, अगर उनको खुद भरोसा था, उसे उनको जनता कभी चुनती नहीं है, तो अमेठी को लेकर दो चुनाव पहले भी हार चुकी हैं और जनता उनके ड्रामे को समझती है। अगर उनको भरोसा था तो गुजरात से लोकसभा में गुजरात से सांसद हुई अमेठी के लोगों को भरोसा करके अमेठी इंतजार कर लेती। आज अमेठी की जनता का सवाल उनसे है, अगर उनको राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर चर्चा पानी है तो राज्यसभा के गुजरात से इस्तीफा दें और लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करें, अमेठी के विकास को अवरुद्ध करने के लिए अमेठी की जनता विकास वोट रूपी डंडे लेकर उनका इंतजार करें। मेरा कहने का मकसद था, ये अमेठी की आवाज़ थी। और रही बात, जब प्रदेश में सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के लोगों की इच्छा यही थी अगर विकास का दोहरा मॉडल होगा, दो इंजन होंगे तो विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन आज हालात यह है, अगर हम सिर्फ बयानबाजी छोड़ दें, जुमलेबाजी छोड़ दें, अफवाह छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जहाँ एक ओर भारत की सरकार ने अमेठी को ठगा, आज वही हाल उत्तर प्रदेश की सरकार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी अमेठी के विकास के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, अमेठी के विकास को रोक रही है। सैकड़ों सड़कें ऐसी थी जो राहुल गांधी जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, उनको अवरुद्ध कर रही है। दर्जनों ऐसी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, जिनको बंद कराने का प्रयास कर रही है। कई सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिन पे काम रोक दिया गया है। एम्स की यहाँ सेटेलाइट शाखा बननी थी, उसको रोक दिया गया है। ये अमेठी के साथ भेदभाव, अमेठी के साथ अन्याय, ग्रामीणवासियों को, सरकार के नुमाइंदों को अमेठी की माफ कर सकती है। हमारे आदरणीय सांसद जब ये हर हथकंडा बनाकर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी के मंत्र को जाप जाप करते परेशान हो जाते हैं, जिन्होंने अमेठी के विकास को अवरुद्ध करने का एक और नया तरीका निकाला। भारत की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से राहुल गांधी की सांसद जी को रोक रखा। हम कांग्रेस जन इसके लिए भी आगामी हफ्ते में सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे।